हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है हमारे आई फिटर फाइटर यूट्यूब चैनल में फ्रेंड्स हमने पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था जो अप्रेंटिसशिप या आई जो एग्ज़ाम होता है उसका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने का जो डेट है वो डेट बढ़ चुकी है तो उसका वीडियो हम बना चुके हैं तो उसमें हमने फ्रेंड्स बताया था आपको कि जिन लोगों को फॉर्म भरने में दिक्कत है ठीक है जिन लोगों को फॉर्म भरने में दिक्कत है वो आप हमें व्हाट्सअप पर कर सकते हैं मैसेज तो ऐसे तीन दोस्तों ने मैसेज किया था मैसेज तो और भी लोगों ने किया था लेकिन उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डी शेयर नहीं किया था तो वो उनकी प्रॉब्लम है तो उन्होंने रजिस्ट्रेन सेशन नंबर है जिन लोगों ने शेयर किया था तो उन लोगों की हमने प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की और ऐसे तीन दोस्तों में से हमने दो दोस्तों को हाँ पे हमने प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमने उनका फॉर्म सबमिट कर दिया क्योंकि वो काफ़ी जगह कमेंट भी कर रहे थे कि हमारे में वाइल अपडेटिंग ई ऐसे कुछ करके लिख के आ रहा है तो आपके में भी आ रहा होगा तो उनके कह प्रॉब्लम ये थी जो हमने आपको बता दिया अब दिक्कत ये थी फ्रेंड्स उनके कह में क्यों नहीं हो रहा था हमारे में क्यों हो गया हो सकता है फ्रेंड्स उन्होंने क्रोम ब्राउजर पे जब उन्होंने ओपन किया हो तो आप याद रखिएगा डेस्कटॉप साइड पे ओपन कीजिए हम आपको दिखा देते हैं कहां पर होता है जब भी फ्रेंड्स आप अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हो या कोई भी आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको यहाँ पे टिक करना होता है ठीक है हम यहाँ पर मैंसन कर रहे हैं पे कलर से यहाँ पे आपको टिक करना होता है ठीक है यहाँ पे जब फ्रेंड्स आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने से ऑप्शन खुल जाएँगे फिर आपको यहाँ पे डेस्कटॉप टॉप साइट पर क्लिक करना होता है यहाँ पर हमने यहीं से क्लिक करके फॉर्म सबमिट किए हैं दो लोगों का और ऐसा नहीं कि अगर आप इसके माध्यम से नहीं करते हैं तो क्यों नहीं होता हो जाता है इसके अलावा भी हमने किया बिना डेस्कटॉप टॉप साइट के तो फॉर्म सबमिट हो गया है लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम कर रहे हो क्रिएट कर रहे हो सकता है कि जब आपने रजिस्ट्रेशन नंबर और डी डाला हो तो फिर आपके पास वहां पर हो सकता है वहाँ पर जो आपने फोटो और सिग्नेचर आपका दिख रहा होगा वहाँ पर क्या होगा कि आपको इन लिख के आ रहा होगा इसमें हम दिखा देते हैं फ्रेंड्स अगर यहाँ पे नो चूजन फ़ाइल अगर यहाँ पे अगर लिख के आ रहा है ठीक है यहाँ पे फ़ोटो के नीचे और अगर यहाँ पे देख लीजिए आप यहाँ फ़ोटो के नीचे अगर यहाँ पे नो नो चूजन फ़ाइल अगर यहाँ पे आपको दिख रहा है तो इसका मतलब है कि आपको वहाँ आप पर क्लिक करना और आपको फ़ोटो और साइन अपलोड करना है ठीक है अगर आपके पास फ़ोटो साइन नहीं हो तो वो एक बार फिर से आप रजिस्ट्रेशन नंबर आप डी आप सर्च करोगे फिर से एक बार मतलब कि क्लिक करोगे इसके बाद दोबारा वहाँ पर हम हमने देखा था कि जब एक बार फोटो और सिग्नेचर मांग रहा था तो हमने क्या किया एक बार रजिस्ट्रेशन नंबर और डी फिर से डाला तो वहाँ पर फिर यहाँ पे नो चूजन फाइल का ऑप्शन वहाँ पे नहीं आ रहा था मतलब कि फाइल और अपलोड फाइल और जो फोटो और जो सिग्नेचर था अच्छे से कंप्लीट था फिर हमने उसके बाद उसको हमने जो भी आपको टिक करने का हमने बताया था फिर से यहाँ पे आपको टिक करना होता है यहाँ पे तो यहाँ पे आप टिक करने का हमने बताया था तो यहाँ पे आपको टिक करना होता है ठीक है तो यहाँ पे कुछ बच्चों का प्रॉब्लम वो हम लास्ट में बताएंगे क्यों क्योंकि क्यों आपका फॉर्म नहीं भर रहा है तो यही हम लास्ट में आपको बताएंगे लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि जिन लोगों को फॉर्म भर गया है इसके आगे उनको क्या करना है इसके आगे क्या क्या उन्हें अप्रेंटिस जहाँ से अप, कंप्लीट किया क्या उन्हें कोई मैसेज या कॉल करना है तो हम आगे डिस्कस करते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा तो फ्रेंड्स जिन दो दिन तो फ्रेंड जिन दोस्तों का हमने फॉर्म फिल कर दिया है तो प्लीज़ एक बार वहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा और जिससे कि दूसरे भी जो भी हमारे दोस्त लोग हैं प्यारे दोस्त लोग हैं वो कम हमें हमसे हेल्प ले सके अगर उन्हें फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत हो ठीक है अब यहाँ पे हम बता दें कि जिनका भी हमने फॉर्म सबमिट कर दिया है अपने पास से तो उनके लिए हम ये बता दें अब आपको आगे क्या करना है हमने आपको स्क्रीन शॉट भेजा होगा आपको फॉर्म भरने के बाद में ठीक है तो ये आपको स्क्रीन मिल गई होगी फिर इसके बाद हम आपको आगे बताते दें कि आपके फोर्टी एट के बीच में आपके पास मैसेज आएगा इस टाइप का मैसेज आएगा और और एक चीज़ और अगर आपको चेक करना है कि हमारा फॉर्म भरा है कि नहीं भरा है तो आपको क्या करना है जो जो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और डी आपको डालना होगा जब जब आप डालोगे तो ये आपके सामने लिख के आएगा यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड मतलब हमने जो भी आपका फॉर्म भरने में दिक्कत थी हमने अप्लाई कर दिया और यहाँ पर आपको यू हैव लिख के आया या फिर जो लोगों ने खुद भरा होगा तो वहाँ पर इनको ये मैंसन होगा ठीक है फिर इसके बाद वहाँ पे उनको फोर्टी एट आवर में एक मैसेज आएगा इस टाइप का मैसेज आएगा आपको कुछ नहीं करना है बस आपका फॉर्म सबमिट हो गया है और जो आ, मुझे नाम नहीं याद आ रहा नयन शर्मा और एक और थे तो उनका फॉर्म भर गया ठीक है तो इस उनका उनके पास एक ट्वेंटी फोर हावर में ये मैसेज थोड़ा सा जल्दी आ जाता है ये मैं इसमें आपका लिखा होगा पेंडिंग विद एस्टैब्लिशमेंट ठीक है ये मैसेज आपके पास आएगा ट्वेंटी फोर हावर में अगर नहीं आता तो भी आप वेट कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ठीक है फिर इसके बाद सेकेंड मैसेज आपके पास में आएगा जिसमें लिखा होगा जो भी आपका पेंडिंग था वो अप्रूव हो जाएगा अप्रूव कहाँ से होता है ये आपका जहाँ से भी आपने अप्रेंटिसिप कम्प्लीट की है वहाँ से अप्रूव होगा तो उनके पास ये डाटा पहुँच जाता है जब आपने फॉर्म सबमिट किया होता है फिर वहाँ से अप्रूव करेंगे अप्रूवल इनके पास जाएगा फिर ये अप्रूवड करेंगे तो ये फाइनल मैसेज होता है अगर आपके पास ये मैसेज आ चुका आ गया है तो समझ लीजिए फिर आपको कोई कुछ नहीं करना है आपका फॉर्म अच्छे तरीके से भर भी गया है और इस्टेब्लिश जो हमने अब आपको बताया था कि जो अप्रूवल की लास्ट डेट है पिछले वीडियो में हमने बताया था ना कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट शायद चौदह जून है जो भी है तेरह या चौदह जून है माफ करिएगा अगर हम गलत बता रहे हो तो उसमें आगे हमने ये भी बताया था कि जो अप्रूवल की लास्ट डेट है वो शायद पंद्रह जून के आसपास है तो वो उनकी लास्ट डेट है ठीक है तो अप्रूवल का मतलब ये होता है यहाँ पे जो एक अप्रूवल मैसेज आता है ये इसका मैसेज है ठीक है और एक इसका ये दोनों मैसेज आपको मतलब उस डेट के पहले आपको आना लाना मतलब आपके फ़ोन में आना चाहिए ठीक है चलिए ये बात हो गई जिन लोगों फॉर्म सबमिट हो गए ये बात उनके लिए है ठीक है अब इसके बाद आगे बात करते हैं जिन लोगों का फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा तो उनके कम क्या प्र... हमने अधिकतर दो बच्चों का यहाँ पे देखा उन्होंने क्या प्रॉब्लम आ रही है जब उन्होंने अपई टी का अप्रेंटिसिप फॉर्म सबमिट किया था या सॉरी हम यह बोलें कि जब आपने अप्रेंटिसिप प्रोफाइल अपनी क्रिएट किया था जी अप जब आपने आई टी कम्प्लीट किया इसके बाद आप आपने अप्रेंटिसिप प्रोफाइल बनाया होगा तो वहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे एक मूल्य होगा आई टी पास आउट और एक मिला होगा नाना नान आई टी पास आउट तो वहाँ पर आपने क्या कर दिया वहाँ पर आपने सेलेक्ट कर दिया नान नान आई टी पास आउट तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि आपने किया हुआ है आई टी आई यहाँ पर आप देखेंगे तो आपकी आई टी आई की ट्रेड लिखी होगी लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे और यहाँ पर जब आप देखेंगे कैंडिडेट टाइप में लिखा हुआ नॉन आई टी पास आउट मतलब आपकी ट्रेड है फिटर लेकिन यहाँ पर क्या दिखा रही है नॉन आई टी पास आउट तो यही मिसमैच हो रहा है तो जिन फ्रेंड्स का यहाँ पर नॉन आई टी पास आउट है तो समझ लीजिए उनका फॉर्म सबमिट नहीं होगा उनके लिए क्या करना होगा जहाँ से भी आपने अप्रेंटिसशिप कम्प्लीट की वहाँ से आप बात कीजिए कि सर हमें अप्रेंटिसिप प्रोफाइल एडिट करना है क्योंकि अप्रेंटिसिप प्रोफाइल एडिट नहीं हो रही है और हम फिर से अप्रेंटिसिप प्रोफाइल के बारे में एक जानकारी और दे देते हैं फिर अप्रेंटिस प्रोफाइल तब एडिट होती है अगर आपने अप्रेंटिसिप कहीं से कंप्लीट कर लिया है मतलब कहीं से आप कहीं से किसी भी फैक्ट्री से आप, आपने कंप्लीट कर लिया तो वहाँ इसके बाद फिर आप अप्रेंटिस प्रोफाइल आपकी एडिट आप खुद नहीं कर सकते आप देख सकते हैं अपने अप्रेंटिस प्रोफाइल लेकिन एडिट नहीं कर सकते अगर आपने अप्रेंटिस कहीं से कंप्लीट नहीं किया आपने केवल आई पास आउट है आपने अप्रेंटिस प्रोफाइल अपनी बना लिया है और आपको लगता है कि फादर नेम मोबाइल नंबर कुछ भी आपका गलत लग रहा तो आप चेंज कर सकते हैं लेकिन आपने कहीं अप्रेंटिसिप कंप्लीट कर लिया है इसके बाद अप्रेंटिस प्रोफाइल एडिट नहीं होता है खुद मतलब आप नहीं कर सकते ये अप्रेंटिस प्रोफाइल वहां से एडिट होगा जहां से आपने अप्रेंटिसशिप कम्प्लीट किया मतलब आपने किसी भी फैक्ट्री से अगर आपने एच एल या आई ओ सी एल या जहां से भी आपने किया हो वहां से आपको ये एडिट होगा ठीक है तो वहां से आपको आप बात कीजिए जहां से भी आपने अप्रेंटिसिप कंप्लीट किया वहां पर आप बात कीजिए और वहां पर आई टी आई जो अप्रेंटिस प्रोफाइल है वहां पर आप यहां पर आई टी आई पास आउट सेलेक्ट करवाइए ठीक है तो जब आप आई टी आई आप जाओगे उसमें तो हो सकता है आपको ऑप्शन में दिखे तो उनसे यह प्रॉब्लम सीर कीजिए आपको यही वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ठीक है तो ये हमारे द्वारा प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो जाएगी अगर हमारे द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व होती तो हम आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते जब आपने अगर प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है यहाँ पर अगर आपको दिख जाता है आई टी पास आउट लिख के आ जाता है तो फिर आपको क्या करना यहाँ पे टिक कर देना टिक करने के बाद आपको यहाँ पे आ, यहाँ पे आपको सिलेबस वो आपको लिख के आएगा फिटर फिटर और वर्कशॉप कैलकुलेशन शायद फिटर लिख शायद ट्रेड प्रैक्टिकल और फिटर थ्योरी एग्जाम जो भी लिख के आए वहाँ पे दोनों पे आप टिक कर देना ठीक है एक आएगा ट्रेड प्रैक्टिकल एक आएगा ट्रेड थ्योरी तो दोनों पे आपको टिक कर देना है अगर टिक है तो कोई बात नहीं फिर इसके बाद आगे आपको बढ़ जाना है इसके बाद आपका फ्रेंड्स हाँ ये प्रॉब्लम आ रही थी तो जिन फ्रेंड्स के में ये प्रॉब्लम आ रही तो उनके के में ये फ्रेंड्स है यहाँ पर जो इन्होंने नॉन आई टी यहाँ पर सिलेक्ट कर रखा है इसी वजह से ये लिख के आ रहा है और फिर से हम बता दें जरूरी नहीं कि अगर ये यही लिखा हो तभी ये प्रॉब्लम आ रही हो हो सकता है आपकी अप्रेंटिस प्रोफाइल है जो उसमें आपने फ़ोटो सही से अपलोड ना किया होगा वो प्रॉब्लम हो सकती है आपकी फ़ोटो अपलोड ना हो ये प्रॉब्लम हो सकती है तो इस टाइप की कोई अप्रेंटिस प्रोफाइल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है तभी ये आपके सामने आपके लिख के आएगा फिर भी आपको लगता है कि हमारे में सारी चीज़ें सही हैं फिर भी आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा तो आपको क्या करना है आपको हमारे व्हाट्सअप नंबर तिहत्तर बानवे चौरासी इक्कीस चौह में आपको मैसेज करना है तिहत्तर बानवे यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं तिहत्तर बानवे चौरासी इक्कीस चौंतीस तो जब भी फ्रेंड्स आप हमें व्हाट्सअप पे मैसेज करें तो आप अपना नाम जरूर बताएं और फ्रेंड्स से कहाँ से ये भी बताएं और दूसरी भी आ, दूसरी बात जो भी अपडेट आप हमसे प्रॉब्लम लेना जैसे आपको प्रॉब्लम कोई सॉल्व कराना है तो बिना आप रजिस्ट्रेशन नंबर डू भी अगर आप हमें नहीं देंगे तो कैसे हम चेक करेंगे ना तो वहाँ पर हमें ज़रूर शेयर कीजिए और हमें लगता है कि अगर आपकी यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह कर सकते हैं तो हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे तो फ्रेंड्स बस आज की इस वीडियो में बस इतनी जानकारी देनी थी नहीं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा उस चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे फ्रेंड्स जो भी जिन स्टूडेंट्स का फॉर्म भर गया है आई टी अप्रेंटिसशिप का ए आई टी टी एक सौ दस ए आई ए आई टी टी एक सौ नौ जितने भी स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए हम एक वीडियो लाने वाले हैं जिसमें हम बताएंगे कि किस प्रकार से आपको अप्रेंटिसशिप एग्जाम के लिए तैयारी करना है किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके लिए एक हमने पी क्रिएट किया जल्दी से आपको पी हम पब्लिश करेंगे और हम बताएँगे वहाँ पर आपका कब एग्ज़ाम हो सकता है तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेलाइकन ऑन कर लीजिएगा और दूसरी बात फ्रेंड्स एक एक बात और अगर आपका कोई दोस्त है कोई भी आपका फ्रेंड्स है अगर आप परेशान उसका अप्रेंटिस नहीं भर पा रहा है नहीं भर पा रहा कोई दिक्कत आ रही कुछ लिख के आ रहा है कुछ प्रॉब्लम आ रही तो उस उसे इस चैनल के बारे में बताएं और बताएं कि यहाँ इस चैनल के माध्यम से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा अगर आप नहीं सही कर पाए हम कोशिश करेंगे और हमने आज फोर्टी एट फोर आवर अपना दिया है और ऐसे प्रॉब्लम को जो सॉल्व करने के लिए जिन लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी तो हमने अपना ख़ुद का फोर आवर दिया ताकि आपके लोग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए कई बार हमने अपनी जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर डी ओ वी डालकर चेक किया ताकि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो कई बार हमने भी कोशिश किया तभी आपका फॉर्म सबमिट हो पाया दूसरी चीज़ ये अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं लग रही कि हमारा सबकी अप्रेंटिस प्रोफाइल है जो अच्छे से कंप्लीट है फिर भी नहीं हो रहा तो आपको क्या करना है एक बार दो तीन बार आप चेक कीजिए नहीं हो रहा फिर आप सिक्स आवर बाद चेक कीजिए जब आपकी नेट स्पीड चल रही अच्छी चल अच्छा चल रहा हो तब आप चेक कीजिए तो भी ना हो रहा तो फिर आप हमें मैसेज कीजिए हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दें क्योंकि हम भी ऐसे दो तीन लोगों मैसेज देखें हमें कुछ नहीं करना पड़ा लेकिन हाँ फिर भी दो तीन बार चेक करना पड़ा है अदर अदर सॉफ्टवेयर में ब्राउजर में क्रोम में तब हम तब हम जाके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे कर पाए ठीक है तो आज के इस वीडियो में बस इतनी जानकारी देनी थी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा है जिन लोगों ने हम और जिन लोगों का फॉर्म सबमिट हो गया आप कमेंट करके बता दीजिए आज के इस वीडियो में बस इतनी सी जानकारी देनी थी बाय बाय फिर मिलते हैं कल